किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते। रोहित शेट्टी, वरुण धवन एंड प्रीति सेनन अते आज साडे होस्ट हन आप सब दे फेवरेट स्टार दिलजीत दोसांझ। फिल्म दिलवाले दी टीम दे नाल पीटीसी शोकेस विच। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। गुड। दिलवाले पूरा पंजाब वेट कर रहा है जी दिलवाले का। 20 साल पहले पिक्चर आई थी सर। और सर हैप्पी बर्थडे 50। सर आप बैठिए प्लीज। 50वां बर्थडे आपका। ये सो दिलवाले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 20 साल पहले आई थी और अब 20 साल बाद दिलवाले आ रही है। इस बार तो दुल्हनिया नहीं आई आप लोगों के साथ। शर्माती है ना, दुल्हन है। नई नई शादी हुई थी, 20 साल हो गए लेकिन नई दुल्हन है तो शर्माती है, इसलिए उसको अभी सामने लाए पब्लिक के, बाद में लेकर आएंगे राम राम से। और आज तू आ रहा था ना सामने, तो स्पेशली वो ज़्यादा शर्मा गए उसे, दिलजीत के सामने बिल्कुल नहीं आऊँगी मैं। ओह माय गॉश। क्योंकि ना तेरी सरदार जी पिक्चर है, उसके हस्बैंड की सन ऑफ सरदार थी, तो वो थोड़ी शर्मा जाती है। इस बार दुल्हनिया कौन लेके जाएगा? इन सबसे पूछ लो, इनका जो भी डिपेंड करे, जो भी बोलें, लेके मैं ही जाता हूँ। दुल्हनिया मैं ही लेके जाता हूँ, ये गिवन है। ये सर की एक हिस्ट्री होती है कि उनके जितने भी पिक्चर होते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है दुल्हनिया को ले जाने में, और दुल्हनिया किसी और की होती है पर हमेशा ये ले जाते। तो आपको इस पिक्चर में काजल मैम ज़्यादा पसंद आए ये कीर्ति जी पसंद ज़्यादा है? मेरे को तो पसंद शाहरुख सर ज़्यादा है। सर आपको फिल्म में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जब आप पिक्चर बनाते हो तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद? शाहरुख खान पसंद है। और अगर ऑप्शन हो के गाड़ियाँ या शाहरुख खान तो? शाहरुख खान। तो जब शाहरुख खान आता है तो गाड़ियाँ भी ले आता है। और आपने ज़्यादातर पिक्चरें बनाई कॉमेडी एक्शन थी, और ये थोड़ी रोमांस मूवीज आप शाहरुख सर के साथ बना रहे, तो ये किसका आइडिया था आप दोनों में से? आइडिया तो फिल्म का रोहित ही लेकर आता है। मैं तो आइडियाज़ में बिलीव ही नहीं करता हूँ। जब हम शुरू में मिले थे तो अंगूर बना रहे थे रोहित मेरे साथ, एक फिल्म थी उसकी रीमेक के राइट्स इनके पास, देवेन वर्मा साहब और संजीव कुमार जी के साथ, मौसमी चैटर्जी। तो हमने उससे शुरुआत की और बीच में इन्होंने मुझे चेन्नई सुनाई जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और रोमांटिक भी थी। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत नहीं बोल रहा था, कि रोहित की पहली रोमांटिक फुल रोमांटिक फिल्म एक्चुअली चेन्नई एक्सप्रेस थी। वो तो आपने सोचा था कि मैं? नहीं नहीं सोचा नहीं था। एक दिन रात को मेरे पास आए 2 बजे कि सर आओ मैं आपको क्लाइमैक्स दिखाता हूँ। तो ये हम गए, हम सारे इसके ऑफिस के अंदर सारा टीम बैठी हुई थी वहाँ पे, हमने जाके क्लाइमैक्स देखा इसका। कहता सर पता क्या हो गया, सब मुझे बोल रहे हैं मैंने रोमांटिक पिक्चर बना दी है। तो बहुत परेशान हो गया था ये रोमांटिक। हाँ अपसेट हो गया था। कहता सब मेरे को ना लड़कियाँ कह रही हैं रोमांटिक हो गई, रोमांटिक हो ना मंदिर वाला सीन था उसके अंदर, तो ये बड़ा परेशान हो गया था। बट फिर ये बदल गया अब, और अब ये जो है सिर्फ रोमांस ही कर रहा था। हाँ अभी अब दिल वाले बना रहा है। मैंने प्रोमो देखा सर, बहुत अच्छा प्रोमो है, सब बहुत पसंद कर रहे हैं। तो उसमें गाड़ियाँ उड़ रही हैं प्रोमो में, और जो जो चीज़ उड़ती है प्लेन वो बैठा हुआ है यार, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। वो प्लेन, ये मुझे समझ नहीं आया। प्लेन पड़ा हुआ है, वो एक्चुअली क्रैश लैंडिंग हुआ था उस प्लेन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम आई थिंक, तो वो प्लेन इसलिए वहाँ पर है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दो तीन शॉट से उसके मैगर शायद ये कोई नहीं नहीं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। वो प्लेन वहीं पर है आइसलैंड में, आप भी जाके देख सकते हैं। और आइसलैंड का वीज़ा उन्होंने हमको इसी कंडीशन पे दिया था कि एक हमारा प्लेन है ये नहीं उड़ाएगा इसको प्लीज। तो हमने गारंटी दी थी, इसकी गारंटी ली थी, मतलब गया था आइसलैंड में। कितने जी आपकी पहली पिक्चर हीरोपंथी जैकी श्रॉफ जी के बेटे के साथ, टाइगर श्रॉफ जी के, और सेकंड सीधा ही दिलवाले, इतनी बड़ी स्टार कास्ट और सर रोहित जी, तो ये मतलब जब आपको कॉल आई या आपने ये अचीव ये किया तो आपको कैसा फील हुआ था? पहले स्टार्टिंग में तो मुझे एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज नहीं स्टार्टिंग में नहीं हुआ था। मतलब मैं एक्चुअली रोहित सर को बार बार कॉल कर रही थी कि ये कन्फर्म है ना, मतलब इट्स देयर। बट या इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और सेकेंड फिल्म में इतने सारे सीनियर एक्टर्स के साथ काम करना, रोहित सर इज डायरेक्टिंग, तो मतलब टाइगर श्रॉफ के साथ काम कर अच्छा लगा या वरुण सर के साथ काम कर अच्छा लगा? ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो जैकी श्रॉफ जी या डेविड धवन जी? किसके जीन्स? बाजी एक मजे की बात बताओ, जब से हम लोग इधर आए तो मुझे कान में, मुझे पता था ये बोलेगा अभी। हां बोल रहे कि मतलब आप आपको देख के बोल रही है वेरी गुड, वेरी गुड लुकिंग, यू आर वेरी गुड लुकिंग है ना, बहुत आपने ये वक्त निकाल के, नॉर्मली आप बहुत बड़े स्टार हो
और आपसे लोग इंटरव्यू करते हैं और आपने जो किया है हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे प्यार के लिए, तो हम बहुत 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 शुक्रगुजार हैं जेन्युइनली सारी टीम। मैं आपकी फिल्में देख चुका हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप जो एक्टिंग करते हो वो एक्सट्रीमली वर्ल्ड क्लास है, और मैं ऐसे ही आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, और इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि कृति को तुम वो साइड है, हमारी दुल्हनिया को ये लेके चला जाएगा शो से पहले, तो हमारी एक तो है नहीं, दूसरी को भी ले जाएगा। नहीं मेरी लगाम है इधर, बट सीरियसली थैंक यू वेरी मच। नो थैंक यू वेरी मच। एंड हमने सोचा है कि थोड़ी देर में हम आपका इंटरव्यू करेंगे। हाँ, उसका आप रेडी रहिएगा। सर जैसे सारे सर की पिक्चर बहुत पसंद करते हैं और हम देख के बड़े हुए हैं, लेकिन सर स्टिल लुकिंग यंग और हम सबसे, तो आपने माय नेम इज़ खान में आपने असिस्ट किया था और अभी आप साथ काम कर रहे हो सर के, तो पहले तो कैसा फील हुआ आपको? बहुत ऑब्वियसली ऐसे सुनने में तो काफ़ी स्ट्रेंज लगता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी है। और जब मैं करण सर के फिल्म में असिस्ट कर रहा था और मैं शाहरुख सर के लिए स्टैंड इन होता था क्योंकि मेरी हाइट काफ़ी आसपास है, तो मुझे शाहरुख सर के लिए खड़ा करते थे और किसी और एडी को काजल मैम के लिए, लाइट वाइट के लिए, हाँ लाइट के लिए, लाइटिंग के लिए, तो काफ़ी सीन्स होते थे। तो मुझे आज भी याद है माय नेम इज़ खान में एक किस्सा था जहाँ रिजवान खान जो कैरेक्टर है इनका, वो उनको कुछ दौरा आता है एंड ही इज़ इन द हॉस्पिटल, और मुझे मौका मिला था, बोला था कि तू शाहरुख सर का ये सीन करना, फर्स्ट एडी ने कहा था, डू यू रिमेम्बर दिस? तो मेरे को बोला था कि, और मैं पागल हो गया था क्योंकि पहली बार मुझे एक्टिंग का मौका मिला था, करण जौहर देख रहा था, और तो मैंने बोला मैं शाहरुख सर का सीन करूँ, तो मैं करूँगा, तो मैं इतना वाइब्रेट होने लगा था, आई स्वेयर टू गॉड, आई नो व्हाट हैपेंड टू मी, जो डॉक्टर था उस सीन में, ही वाज कमिंग, ही हैड टू काम मी डाउन, मैंने डॉक्टर को मार दिया, नर्स को मार दिया, सब उलट पुलट हो गया, और फिर उसके बाद शाहरुख सर आए सेट पे एंड ही सॉ द सीन, मैं इतना डर गया था, मुझे अभी भी याद है वो मेकिंग की सीडी मैंने तोड़ दी थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाए तो मेरा जो भी करियर है वो खत्म हो जाता उसके बाद। क्या सीखा आपने सर से, क्या अच्छी बात लगती है? ऐसे अच्छी बात ये लगती है कि वो सबके साथ सेम है, कभी जूनियर के साथ या सीनियर के साथ या स्पॉट बॉय के साथ, हर किसी के साथ सेम ही है उनका बर्ताव, वो चेंज नहीं होते हैं, और बहुत सच्ची बात बोलते हैं, जो दिल की बात है वो बोलते हैं, जो बुरा लगता है इंसान में वो भी बोलते हैं, और जो अच्छा लगता है वो भी बोलते हैं। सो आई थिंक इट्स एक चीज़, मैं बुरी बात बोलूँगा ऑनेस्टली, और मैं टी वी पर बोलूँगा क्योंकि उनके साथ काम किया है ना, मैं दरख्वास्त करता हूँ उनके फैन से, उनके वेल विशर से, दैट आई डोंट फील ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, मैं डायरेक्टली कैमरा में बोल रहा हूँ, और उनको अभी भी नी पे चोट लगी है, इतना सूज गया है और हमारे साथ बैठे हैं, एंड आई एम टेलिंग हिम कि वो हॉस्पिटल जाए या चेक करा दे, एंड इट्स बैड ऑनेस्टली। और वो बोल रहे हैं कि कल वो कोई गाना शूट करेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी फिल्म, पूरी जिंदगी फिल्मों के लिए किया है सब कुछ, अपने फैंस के लिए किया सब कुछ, सो आई थिंक उनको थोड़ा टाइम निकाल के अपने हेल्थ के लिए देना चाहिए ताकि वो हमें और 50 साल के लिए एंटरटेन कर सके। सर अब तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। हाँ, तू तो निकाल दे यहाँ से, कंपटीशन खत्म हो जाए। सच में इतनी इंजरी है, जब सर एंटर हुए तो मुझे लगा शायद कि, मतलब बॉलीवुड बड़े स्टार हैं तो मुझे लगा शायद वो नीज भी पहन के रखते हैं ऑल द टाइम, मतलब मुझे पहले ऐसे लगा, मैं अच्छा ये, मतलब कभी भी एक्शन शुरू हो जाए, रोहित की पिक्चर है, कभी भी एक्शन करना पड़ जाएगा, बट रियली सर यू टेक, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह यार। 25 साल से स्टारडम अभी तक बरकरार, इंशाल्लाह बरकरार रहे हमेशा ही, और ऐसा क्या है, मतलब ये आप कैसे ये सब मेंटेन करके रखते हो? मेहनत तो सर सभी करते हैं, एक्स्ट्रा क्या है? एक्चुअली आई थिंक मैं प्लान नहीं करता, मेरे को ना भगवान ने इतना दे दिया कि मेरी औकात से ज़्यादा है, मैं वो डिज़र्व भी नहीं करता हूँ शायद, तो अब मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि एट द एंड ऑफ माय लाइफ और करियर उतना काम कर जाऊँ कि मुझे लगे कि यार मैं ये डिज़र्व करता था, तो एक वो बात है। दूसरी बात यह है कि मुझको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, मैं जब यहाँ आया था मुंबई में तो 1500 रुपये के साथ आया था, फौजी के 1500 रुपये थे मेरे पास, तो हांगकांग बैंक में अकाउंट खोला था, और मुझे ये ज़रूर मालूम है कि मुझसे अगर वो 1500 रुपये भी ले जाओ आज सारे के सारे, वो सब कुछ ले लो, तो जो पिछले 25 साल में मिला है वो शायद किसी और को मिला ही नहीं, तो देर इज़ नो सेंस ऑफ लॉस, तो मुझे इनसिक्योरिटी नहीं, मुझे लगता है यार कि बस मैं करता रहूँ क्योंकि मुझे खुशी होती, मुझे फिल्म बनाने में खुशी है, फिल्म में काम करने में खुशी है, चले और खुशी है, ना चले फिर भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे लगता कि यार ये ख़राब हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बिकॉज व्हेन यू गेट मच मोर देन व्हाट यू डिज़र्व, तो फिर बस यू ओनली कीप थैंकिंग गॉड, तो मैं उसी खुशी में काम करता हूँ, बस मैं शुक्र करके करता हूँ कि बस सुबह उठता हूँ और मैं बस यही तमन्ना रखता हूँ। और मुझे बारी सरोज खान जी ने बोला था, एक बार मैं आया शूटिंग पे, तो हम 3-3 शिफ्ट करते थे,
तो मैं ऐसा आया, मैं कहा यार थक गया, इतना काम है, मैं परेशान हो गया हूँ। तो उन्होंने ऐसे मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा ऐसा, कहते बेटा एक बात याद रखना, एज एन आर्टिस्ट कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज़्यादा काम है, क्योंकि जब नहीं होता है ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज़ की कंप्लेन करो। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े, और उससे भी ज़्यादा कर सकूँ और खुशी से कर सकूँ। और मेरा ये दिल रहता है कि मैं अगर आपके सेट पे आऊँ, रोहित के साथ काम करूँ, वरुण कृति किसी के साथ भी काम करूँ, कि वो खुश हो जाए मुझसे, तो मुझे उसमें खुशी मिलती है। फिल्म तो बनती रहती है इंशाल्लाह। रोहित सर में क्या अच्छा लगता है सर आपको? आपने फिल्म की दो फिल्में कर ली इनके साथ। रोहित की दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मैं इनसे बड़ा हूँ इसलिए ऐसा मैं पेट्रनाइजिंग नहीं बनना चाहता लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ, एक मेहनती बहुत है और बहुत क्लियर है कि मुझे ऐसा लगता है। अभी इसने कितने साल से काम कर रहे हो तुम? अब 20-22 साल हो गए। एंड एज अ डायरेक्टर 13 साल। मुझे ऐसा लगता है ही डिसाइडेड वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ कि मैं अपनी ज़िंदगी फिल्म बनाने में डेडिकेट कर दूँगा। तो वो बहुत डेडिकेटेड है यार, एंड उसका आइडिया बहुत क्लियर है, एंड आई थिंक इस सेंसिबिलिटी मुझको नहीं है वो सेंसिबिलिटी, वरुण को मैंने नोट की थोड़ी है, कि जो एक लार्जर ऑडियंस होती है ना उनको क्या अच्छा लगता है, वो सेंसिबिलिटी इसको बहुत क्लियर है। दुनिया ये कह दे वो कह दे कन्फ्यूज़ नहीं होता। मुझे कोई बोले ना यार ये चल रहा है आजकल, तो मैं वो चलाना शुरू कर देता हूँ, तो ये अच्छी मैं ये कर लेता हूँ। ही इज़ वेरी क्लियर कि ऑडियंस को क्या पसंद है, एंड ही इज़ आई थिंक द मेन थिंग फॉर अ डायरेक्टर और अ क्रिएटिव पर्सन इज़ कि मैं क्लियर हूँ यार, मेरी ये आर्ट है, मेरी ये कला है, मुझे ये आता है और मैं यही बनाऊँगा। दुनिया कुछ भी कह दे, अच्छी हो जाए बुरी हो जाए, उनका विजन क्लियर है, उनका एकदम क्लियर है। तो आई थिंक हिज रीज़न फॉर सक्सेस इज़ दैट, एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एंड इसके साथ काम करने से क्या है, मुझे डर नहीं लगता कभी कोई पंगा वंगा हो जाए किसी के साथ, जैसे कहते हैं तो मेरा है कि रोहित को बुला लूँगा। तो मेरा मेन रीज़न ये है कि कोई पंगा वंगा ले ले मुझसे, आग में झगड़े वगड़े होते रहते हैं तो मेरी बैकिंग हो गई है। और क्या अच्छा नहीं लगता सर रोहित के बारे में? मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो अच्छी नहीं लगती इसके बारे में। थोड़ा गेम्स वेम्स नहीं खेलता यार ये, प्ले स्टेशन नहीं खेलता, हाँ मतलब मस्ती नहीं करता। पैकअप के बाद ना हम पार्टी वार्टी भी करते हैं तो ये ऐसा ऐसे करके बैठ जाता है ऐसा, तो टीचर की तरह। तो हम कोशिश करते थे हंसता रहे। अभी लास्ट हमने जब पार्टी की ना, तो इसको इससे पूछ परमिशन ली हमने कि हम पार्टी कर ले, लास्ट नाइट है हमारा, शूट नहीं हुआ, तो ऐसे बीच पे जाके दूर बैठ गया, तो हमसे बात नहीं करता। पैकअप के बाद बात नहीं करता, ये अकेला चला गया, कुर्सी लगा के नहीं करते नहीं। इनफैक्ट पार्टी में वो ऐसा चेहरा बनाते जैसे गिल्टी फील करते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे प्रॉमिस करा है कि जब रैप हो जाएगा और उसके बाद जब पार्टी होगी, सक्सेस पार्टी है जो भी, ये डांस करेंगे। ये मुझे भी कर चुका है, 4 साल हो गए। नहीं लेकिन आई विल मेक श्योर करता है, पैकअप के बाद ना कुछ नहीं करता, मतलब कुछ भी नहीं करता। ऑकवर्ड फील होता है, पता नहीं इसको कोई बुरी आदत नहीं। आपको बुरा लगता है कि काम खत्म हो गया, आज की शूट खत्म हो गई? उनका दिमाग फिर भी काम में ही चल रहा होता है एक्चुअली, जैसे नेक्स्ट डे की टेंशन रहती है। नहीं ऐसा टेंशन नहीं रहती है, पता नहीं मैं ज्यादा पार्टी वार्टी की नहीं लाइफ में। आपकी तो फिल्म हिट होती है हमेशा ही। हाँ तो उसी तो वही तो टेंशन रहती है, कोई फायदा नहीं, पार्टी नहीं कर सकते उसके बाद हम। बट रोहित सर आपने बोला था ना आपको मजा काम में ही आता, काम में आता है, जैसे शाह भाई का है ना कि दूसरे खुश हैं वो देख के ज्यादा खुशी होती है, कि हाँ भाई सब खुश हैं वो देख कर ज्यादा खुशी होती है। तो बुराई में भी अच्छाई आ गई? नहीं यार बट यार मैं इसको करूँगा, चेंज करूँगा, एक दो पिक्चरों के अंदर इसको मैं करूँगा। जल्दी सो जाता है, 10 बजे सो जाता है, 11 बजे, हमने भी कोशिश करके इसको 2 बजे तक पुश कर दिया। अब हम इसको धोखा देते हैं कि हम पार्टी करते हैं ना, हम कहते हैं यार हमको ड्राइव तुझे ही करना पड़ेगा, तो ये बेचारा रिस्पॉन्सिबिलिटी में मारा जाता है इसको, 4-4 बजे तक हम जगा कर रखते हैं इसको, हम परेशान। एक दिन तो बहुत ड्राइव कराई थी। हाँ हम ये कहते हैं कि नहीं यार हम लोग जो है पार्टी के बाद थक जाएंगे, यू हैव टू ड्राइव अस, समबडी रिस्पॉन्सिबल, तो ये बेचारे को हम जगा के रखते हैं, ये हमारा। इस बार फिल्म हिट हो जाएगी तो डांस करेंगे सर आप? ये तो मैं करवा के रहूँगी सर। रेड चिली ने सुपर हिट पिक्चरें बनाई हैं बॉलीवुड में, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई। आप पंजाबी पिक्चर भी बनाओगे रेड चिली कभी? यार मैं बताऊँ मेरे पास बहुत इन्फ्लुएंस है, अगर मैं नाम गलत बोलूँ तो ठीक कर देना, सतीश कौल साहब। हाँ तो मैंने जो पहली लाइफ में शूटिंग देखी है, मेरी मम्मी लेकर गई थी, आई थिंक हरियाणा में शूटिंग कर रहे थे, तो पिक्चर का गाना भी मुझे अभी तक याद है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा इंप्रेशन वो है, मुझे मालूम नहीं था मैं एक्टर बनूंगा, उसमें गाना था तेरी एक एक आँख सवा लख दी, ऐसा गाना था उनका एक, और मुझे अभी तक याद है वो, और बड़ी खूबसूरत हीरोइन थी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। और आई जेन्युइनली बिलीव, मैंने तो मेरा तो करियर वैसे ही आधा पंजाबी है, यश चोपड़ा जी ने बनाया है, तो मैं तो हमेशा पंजाबी बन जाता हूँ। आई वुड लव टू डू इट यार, और स्पेशली अब तुम्हारी फिल्में देख कर मैं और भी ज़्यादा इंस्पायर हो गया हूँ, सीरियसली। तुम्हारी जट एंड जूलियट, सरदार जी, और वट एवर यू आर मेकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, तो हमें मौका देना। मुझे मालूम नहीं मैं उसमें एक्टिंग, मेरी पंजाबी इतनी वो नहीं है। सर एक वो डायलॉग आपका बड़ा मशहूर के वो
अगर तुम्हें ये पलट के देखेगी तो मतलब एक बार पंजाबी में बोले कैसे बोलेगा वो कैसे बोलेंगे तो एक तो मुझे समझ नहीं आएगी बोल ऐसा क्या अगर ये तुम्हें प्यार करती है तो जे तेनू प्यार कर दिया जे तेनू प्यार कर दिया फिर मुड़ के जरूर देखूंगी फिर मुड़ कर जरूर देखूंगी मुड़ 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 और घूम जा इतने क्या टाइम लगा रही है हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो पंजाब से आते हैं तो एक एक मैं बार बार किस्सा इनको सुनाता हूँ गौरी के जो भाई हैं वो एकदम ठेठ पंजाबी में बात करते हैं तो वो कहते हैं मुझको जब मैं शुरू में उनके साथ रोमांस कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला जब मामा आएगा ना मेरा भाई बिल्कुल पागल है तो वो आ जाओगा कछुए और कच्छे जाएगा और तुम्हारा कच्छे में क्यों आएंगे वो मतलब मुझे तलवार आए उसके उधर खोल तो वो तलवार लेके पहुँच जाओगा और कच्छे जा जाओगा और उधर ना डोले जो है ना मूनलाइट में लश्कारे मार दें कितना सॉलिड है तो मुझे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं तो मैं बहुत सुनता हूँ उनसे और गाली नहीं पड़ी अभी तक मुझको नहीं पंजाबी लोग ना गाली वाली देते हैं मेरे जो डैडी है मुझे तो खुशी में गाली देते हैं पंजाबी तो गुस्से में क्या करते हैं गुस्से में वो उदास हो जाते हैं लास्ट डांट कब पड़ी आपको भाजी जेन्यूनली लास्ट डांट दी ये उस वक्त पड़ी थी जब कंप्यूटर आया था नया नया बहुत टाइम पहले कंप्यूटर आया था और कीबोर्ड था तो वो जो कीबोर्ड का जो स्पेस बार था मैं बहुत छोटा था तो मैंने स्पेस बार निकाल दिया था तो उस वक्त गुस्सा हुए थे मुझे वो गुस्सा कभी होते नहीं तो खुशी रहते हाँ बट वो ही इज़ क्वाइट अ हैप्पी पर्सन लाइक दैट वो मतलब ऐसे ही चलाते रहते रहते पर फिर बहुत खुश हो जाते लेकिन हमको मौका देना कि हम पंजाब में आके कोई फिल्म बना सकें सीरियसली और उसमें तुम काम करना प्लीज़ हमारे लिए मैं अभी साइन करके चले जाऊँगा तुमको मैं हाँ और तुम ना भी नहीं कह सकोगे कि तुम्हारा शो है इस वक्त एम्बैरेसमेंट में आके दोगे और हमारी पिक्चर सुपर हिट हो जाएगी सर ये तो सुपर हिट दिल वाले सुपर हिट है और फिर सर डांस करने वाले हैं और पार्टी होने वाली है मैनू भी सदियों जरूर यार सर पंजाबी गाने बॉलीवुड में काफ़ी हिट होते हैं और पंजाबी गाने अक्सर फिल्मों में मतलब बॉलीवुड फिल्मों में होते हैं तो मतलब ये क्या ज़रूरी लगता है अभी बॉलीवुड को वैसे तो गाने तो बहुत देर से पहले से हिट होते आ रहे हैं अभी जो टाइम चल रहा है तो क्या ये आप लोगों का क्या इसमें कहना है एक्चुअली बहुत पहले से अगर आप नया दौर देखें तब उस ज़माने से है एक पंजाबी इन्फ्लुएंस गानों का एंड पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई समझ लेता है म्यूज़िक में मतलब अगर आप देखें तो तमिल गाना इतना नहीं समझ पाएगा जितना अगर आप पंजाबी गाना है तो यूनिवर्सल हो जाता है वो अगर आपको पंजाबी आए या नहीं आए बट अगर वो हिंदी फिल्म में भी पंजाबी गाना है तो लोग समझ लेते हैं तो यूनिवर्स हो जाता है एक्चुअली पंजाबी गानों की बीट्स बहुत अच्छी होती हैं फिर मतलब मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में तो बहुत बार ऐसे पंजाबी गाने बजते हैं जो मूवी में आए भी नहीं होते अभी तक तो मेरी बहन आजकल मुझे अपडेट करती रहती है बिकॉज अब मैं दिल्ली में रहती नहीं हूँ बट आई थिंक उनकी बीट्स उनका फील बहुत अच्छा होता है फील गुड या दे ऑल फील गुड सॉन्ग्स दे यू कैन पार्टी ऑन देम इसलिए आई पर्सनली फील आई थिंक जो म्यूज़िक है ना पंजाब का यार वो बहुत दिल से है मुझे यश जी बोलते थे हमेशा क्योंकि यश जी की पिक्चर में हमेशा एक ना एक पंजाबी गाना होता था और हैं वहाँ के ही थे वो तो उनके ब्लड में था बट वो मुझे समझाते थे कि जो इसका जैसा रोहित ने बोला कि वो ना गाना समझ में भी आता है और बड़ा यार हम जैसे मुंबई में शायद बोलते हैं याहूम बोलते हैं एकदम ना विदाउट हेजिटेशन होता है गाना पंजाबी जो गाना होता है ना बड़े दिल से निकलता है एकदम खुल के गाते हैं सब तो वो आई थिंक जो खूबसूरती है वो सबको समझ आती है चाहे लैंग्वेज समझ आए चाहे बीट्स भी ना समझ आए चाहे कई गाने तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते लैंग्वेज की वजह से जिसमें बड़ी एकदम गोड़ पंजाबी होती है बट यू फील लाइक कि यार ये कुछ दिल से निकला है जैसे पंजाब है एक्चुअली आई थिंक जो पंजाब की फील ही ऐसी है आई थिंक आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रीजनल कि पंजाब में लोग ज़्यादा हैप्पी हैं और दिल्ली वाले कम हैं या तमिल में या बंगाल में बट आई थिंक पंजाबियत इज़ थोड़ी खुल के है थोड़ी ओपन है उसमें मतलब चेस्ट आउट वाली फीलिंग आती है तो आई थिंक गाने में भी आती है लाइफ स्टाइल में आती है खाने में आती है हर चीज़ में आती है खेलने में आती है हाँ मतलब स्पोर्ट्स वाइज एवरी विच वाइज आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ओपननेस मैंने हम दिल्ली में जब थे तो मैं भी दिल्ली का ही हूँ तो शादियों में जाते हैं तो बारात में सब नाचते हैं दिल्ली की प्रथा है लेकिन जब सरदार जी नाचते हैं ना तो वो जो नाच है लगता है कि बारात में चार चांद लग जाते हैं आई थिंक दे डू इट फ्रॉम अ गुड हार्ट आई थिंक ऑल ओवर आई थिंक दैट्स द मेन थिंग वेदर इट्स अ सॉन्ग वेदर इज द फूड वेदर इज स्टोरी टेलिंग द ब्यूटी ऑफ पंजाब इज दैट दिलवाले आई थिंक हाँ दिलवाले होते हैं सर आपकी पिक्चर आई थी चक दे हॉकी पे थी बहुत 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 बढ़िया पिक्चर थी तो हमारे पंजाब में कबड्डी जो सबसे मशहूर गेम है और हॉकी भी बहुत बढ़िया है हाँ हॉकी भी है कबड्डी बलबीर सिंह जी ऑनवर्ड हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऑब्वियसली तो आप वो तो बनाई आपने पिक्चर बहुत अच्छा बना कबड्डी पे भी कभी आपने सोचा कि कोई पिक्चर बनाएंगे आप अभी तो मेरी टांग टूटी हुई है
अभी तो चलने को नहीं हो रहा, मैं कबड्डी पे क्या पिक्चर बनाऊँगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जिस जैसे आपको भी हम में से किसी को भी अगर स्पोर्ट्स पे इंडिया में पिक्चर बनाने का चांस मिले, कोई भी स्पोर्ट्स हो, हमें चांस लेना चाहिए वो। क्योंकि आई थिंक टू बी ऑनेस्ट एक ज़माना था सिवाय पंजाब के स्पोर्ट्समैन कहीं से निकलते ही नहीं थे, वहीं से आते थे सारे के सारे। अभी थोड़ा सा केरला से आते हैं, बंगाल से आते हैं, बट आई थिंक ऑल इंडिया में अभी तक स्पोर्ट्स का वो नहीं है सिवाय क्रिकेट के। तो अगर कोई जैसी जैसे आप कबड्डी पे बोल रहे हो, मैंने खेली थी एक पिक्चर में परदेश में, मैंने कबड्डी खेली थी। हाँ, बड़ी बड़ी यार तकलीफ होती है, सांस ही खत्म हो जाती है, कबड्डी गुड्डी 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 गुड्डी, बड़ी चीटिंग की थी मैंने सर। बट जो भी स्पोर्ट्स पे चांस मिले आई थिंक सबको बनानी चाहिए। तो मुझे भी अगर मौका मिलेगा तो अब तो पता नहीं मेरी टांग वांग के साथ मैं कबड्डी में कोच तो बनी जाऊँगा, खेलूँ ना खेलूँ लेकिन कोच तो बनी जाऊँगा। ठीक हो जाएगा जल्द से। हाँ, और फिर अगर रोहित ने इस पिक्चर में डांस कर लिया तो मैं इसको कबड्डी का प्लेयर बना दूंगा अगली पिक्चर में, मैं कोच बन जाऊँगा। उन्होंने की है बहुत शिकायत डायरेक्टर को, उसने बार बार खोल दिया पोल। आपको मालूम कैसे पड़ा ये डायरेक्टर, मतलब हर बात में बता ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ एक्ट्रेस बनके। आपकी स्टार कास्ट क्या होती है? काजल के रोल में किसको लेती? नॉट बिकॉज यू डोंट थिंक शी इज गुड, बट वो है ही नहीं अब। जूही चावला। वरुण की जगह किसको लेती तू? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मल्होत्रा। और मेरी जगह किसको लेती? फिर आपको मैं चेंज नहीं कर रही हूं। आई थिंक यू लुक दलजीत दलजीत दलजीत। हां चलो, यू लाइक जूही चावला ना? और देखो तो हैंडसम भी लग रहा है, देख रहा हूं मैं। हां, गुड लुकिंग। मुझे पिक्चर से निकाल के तुम दलजीत को ले लिया है आधे घंटे में। आलिया, सिद्धार्थ, जूही चावला एंड दलजीत पांजी। ठीक है ना? तो अच्छा है कि मैं नहीं बना रही हूं, और अच्छा है कि रोहित शेट्टी बना रहे हैं। हमारी चलेगी ज्यादा। एग्जैक्टली सर, पूरे पंजाब की तरफ से, पूरे पंजाब में लोग जब तुसी को पंजाबी गाना गाओ यार, मेरे को ना गाना आता नहीं बिल्कुल यार, बट कैसे गाऊं? चल्ला की लबरा फिरे, उसके वर्ड बड़े मुश्किल थे, बड़े मुश्किल हो रहे हैं यार। होता कर केड़ा लोका तो पुछदा फिरे, ओ चल्ला नू ना फिरे, चल्ला हंसदा फिरे, चल्ला गली गली रुनदा फिरे, चले तू किसे दा, चले तेरा कोई नहीं, चला गीला बुरा फिरे। तो सब तो पहला जो तुसी कीता वो कोर्स दा लगे ते ओ थोड़ा किसी कोरियोग्राफर ने दसा या आप ही कर लेते? नहीं एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे से ना वो डिपिंग नहीं होती है, वो जो डांस में ना पहली एक चीज़ मेरे को डांस नहीं करना आता इतना अच्छा यार। ये एक्चुअली मुझे लगता है पहली पिक्चर उसी में था जो मैंने पहला गाना किया था। मैंने पहला गाना जो अपना किया था इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आंखें, किंग अंकल, किंग अंकल में किया था। और फिर उसके बाद दीवाना में एक मोटरसाइकिल पे गाना किया था मैंने। तो जब भी मेरे को सरोज खान जी ने ना एक दो स्टेप बताई थी कुछ कि ऐसा ना डिप करते ना वो, तूने कहा हाँ ऐसे ऐसे करके कैसे, तो होता नहीं था मुझसे। तो गाना था कि इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें, तो मुझसे हो ही नहीं रहा था, 1 2 3 4 काउंट करती थी मैं, इस जहाँ की नहीं है तुम, ऐसा हो गया। तो मैंने ना ऐसा उनको बोला कि ये मेरा कैरेक्टर जो है ना वो ऐसा डांस नहीं करता है, क्योंकि हो ही नहीं रहा था, आंगन टेढ़ा हो गया था पूरा। तो मैं क्या करता नहीं, वो ऐसा ना दिल खोल गया, इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी। तो सरोज जी बहुत प्यार करती थी, समझ भी गए होंगे कि मुझे डांस नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि ठीक है ऐसे कर ले, ये बहुत अच्छा। एक बार हुआ, फिर दूसरा जब गाना करने गया तो फिर स्टेप नहीं हुई कोई मुझसे। तो कहा तो बेटा वो वाला करना, वो अपना जो करता था आप वाला कर ले, वही खड़ा होता है। जो गाने में मुझसे नहीं होता था, चमत्कार का गाना था, इक्का वहाँ दो बतावा तीन पड़ावा मुंडे अधी रती ले लो ना परजन लगे डंडे पर नजन मारूँ डंडे पा दे लस्सी बच्चे खंडे ना कद दबानी दे पया जी पैरी पै, पंजाबी एक उसमें था। तो उसमें भी नहीं होता था यार, हाथ कर दे बेटा तू हाथ कर दे, वो अच्छा लगता है। तो मैं फिर वही करता रहा और फिर वो कुछ ठीक ठाक, हाँ मैं खुद ही लभे नहीं, वो सरोज जी ने मुझे बोला और फिर वो ठीक ठाक बैठ गया। तो मैं अब रोकता नहीं उसको, मैं ऐसे अमेरिका में बोलते हैं इफ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट, तो मैं करता रहता हूँ। किंग अंकल से जब भी मुझसे स्टेप नहीं होती ना, मैं सबको, अब तो मैं सीनियर भी हो गया हूँ थोड़ा, जैसे बताया इसने शुरू में। हालांकि इस पिक्चर में एक बार भी नहीं किया मैंने दिल वाले में, और इस पिक्चर में वरुण ने किया, वरुण ने किया। रोहित बड़ा क्लियर था इस पिक्चर में हम नहीं करेंगे,
तो मैंने नहीं किया इस पिक्चर में, इसने रोहित ने कहा तुम नहीं करना और वरुण करेगा इस पिक्चर का। एक्चुअली बहुत अच्छा तरीका है लड़कियों का पटाने का वो, क्योंकि सारी लड़कियां शाहरुख खान को पसंद करती है, तो बहुत ही अभी भी तो बोल सकते हैं सर, खूबसूरत सीन है वो। एक्चुअली इम्प्रोवाइज किया था ना सर वो, लास्ट मोमेंट बना था वो। हम लोग का एक सीन था मेरा और कृतिका, जहाँ मैं प्रपोज करता हूँ इसको, तो मैं सब कुछ बोलता हूँ बोलता हूँ बोलता हूँ बोलता हूँ, और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत पट गई है, बट पूरी तरह से नहीं पटी है, तो मैं क्या करूँ? तो मतलब भैया बचा लेना, और मैं फिर शाहरुख सर का पोज कर, ऑल एल्स फेल्स ना इन डांसिंग और इन रोमांस, ऐसा कर दो तो सब निकल जाता है। बोला सारे पंजाबी। मैं तो पहली बात बोलूँगा यार, क्योंकि मैं क्योंकि दिल्ली वाला हूँ, या मेरा ये बिलीफ है, आई थिंक हमारे देश की शान है पंजाब, और सारे जो पंजाबी हैं, और हर फील्ड में, चाहे वो आर्ट हो जैसे आप हो, या गाने जो लड़के गाते हैं, या डांस हो, भांगड़ा हो, या खाना हो, या फार्मिंग हो, या मेहनत हो, या रिलीजन हो, या फिर फ्रीडम स्ट्रगल हो, या स्पोर्ट्स हो, मतलब आई थिंक हमारे देश की शान है पंजाब। और थोड़ा बायस शायद हो मैं दिल्ली का हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, एंड आई बिलीव अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, जितने भी लोग हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, और चारों तरफ हैं, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि जितने भी सिख हैं, जितने भी पंजाब के लोग हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया है। और मुझे मालूम है, कई बार मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि एकदम छोटे पैमाने पर यहाँ पर गए, यहाँ से गए हैं, लेकिन मैं जब दूसरे अंग्रेज़ लोगों को मिलता हूँ किसी भी कंट्री के, तो एक बात जो सुनाई देती है कि यार ये लोग मेहनत इतनी करते हैं, और मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड, दे प्ले हार्डर। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कल्चर्स इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन आर कंट्री। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट वेर एवर यू आर, एंड यू मेक इंडिया वेरी प्राउड, यू मेक अस वेरी प्राउड, एंड क्या बोलूँ मैं, चक दे फटे, एंड कीप चकोइंग फटेज। मैं कहूँगा कि एक्चुअली जैसे शाह भाई ने कहा कि वी रियली फील प्राउड ऑफ देम, कि हिंदुस्तान का नाम एक्चुअली उन्होंने रोशन किया। जैसे आप कनाडा भी देखें तो सेकेंड लैंग्वेज पंजाबी है, एयरपोर्ट पे भी अगर आप देखें तो पंजाबी में लिखा गया है, तो वो रीज़न ही है क्योंकि पंजाबीज वहाँ गए हैं। एंड सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक दम कि उन्होंने नाम इतना रोशन कर दिया हिंदुस्तान का। और एक चीज़, एक रिक्वेस्ट करूँगा, 18 दिसंबर को हमारी फिल्म आ रही है, सो जरूर देखिएगा, और ओवरसीज में भी फिल्म बहुत चलाइएगा, ये आप लोग ही कर सकते। आई जस्ट वांट टू से कि मैं खुद पंजाबी हूँ, हालांकि मेरे घर में इतनी पंजाबी नहीं बोलते, लेकिन मुझे पंजाबियों के बारे में हर चीज़ पसंद है। आई थिंक जो उनके दिल में होता है वो उनके मुँह पे होता है, एंड इन ऑल वेज असली दिल वाले होते हैं। एंड आई वुड जस्ट से कि ये मूवी करते टाइम हम लोगों को बहुत मज़ा आया है, एंड आई होप कि आप लोगों को देखने में उतना ही मज़ा आए, एंड इट्स अ कम्प्लीट फैमिली एंटरटेनर। सो 18 दिसंबर प्लीज़ वॉच द फिल्म। और एक बात और ऐड कर दूँ बिफोर वरुण के पास जाओ, ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि फिजिकैलिटी की बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मर्दों और औरतों में सबसे खूबसूरत कौम जो है सरदारों की और पंजाबियों की है। एक दो को छोड़ के जो यहाँ है, एक दो सब नहीं है, एक दो तो हो जाते हैं घर के अंदर, कभी कभी एक बैड फिश तो होती है। पंजाबियों की पर्सनालिटी है ना, मतलब एकदम मेरी जैसी है। बस वही, मैं भी खुद पंजाबी हूँ, और मेरे जो पिताजी है खुद लुधियाना थे, और काफ़ी घर पे गाली और खुशी पंजाबी में एक्सप्रेस होती है कभी बार। बस यही कहूँगा कि जितने भी पंजाब है, कनाडा विच या यूके विच, बस इतना ही प्यार हमें सब देते रहिए, आप लोग देश का नाम रोशन करते जाइए, और 18 दिसंबर को पूरा सपोर्ट दीजिए हमें। और सारे पंजाबी भाइयों और बहनों को कहना चाहूँगा, प्लीज़ जाके थिएटर विच देखिए पिक्चर और इन्जॉय करो। दलजीत आई लव यू, बैठ जाओ, खड़ा होने के बाद बोलो, रोमांस करो, तो खड़ा हो जाएगा तो लंबा हो जाएगा। दलजीत आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई माइंड। अब हम लोग सवाल जवाब आपसे करेंगे, एक दो सवाल पूछेंगे। अब हमें बहुत कम चांस मिलता है ऐसे सुपरस्टार से बात करने का, ऐसे बताओ तुमने शुरू कैसे किया एक्टिंग, एंड हाउ डिड यू गेट इनटू इट? क्योंकि हमें थोड़ा, मुझे थोड़ी कम नॉलेज है, सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, मगर कैसे स्टार्ट किया तुमने? किसी ने मुझे अप्रोच किया सर, पंजाबी पिक्चर स्टार्ट हो रही थी, फिर मुझे भी मौका मिला, इतने पैसे तो नहीं थे खुद बना सकूँ, वैसे खुद बना लेते हैं पंजाबी पिक्चर, अभी तो मेरे पास इतने पैसे तो थे, किसी ने मुझे अप्रोच किया तो बस फिर मैं भी। तो तुम्हारा फेवरेट हिंदी गाना कौन सा? पंजाबी में तो तुम गाते हो कमाल के गाने, लेकिन हिंदी गाना फेवरेट कौन सा? मेरी पिक्चर कौन होगी, बाहर की बोलोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ओले ओले हो जाएगा प्यार, चले आ। अच्छा, कोई एक फिल्म शाह भाई की जो आप पंजाबी में करना चाहोगे?
मेरे को तो वो करनी है जेट और जूलियट. मैं थोड़ा उम्र बढ़ गई मेरी, वरना मैं करना चाह रहा था. मैं बताना चाहता हूँ अगर कोई एक फिल्म जो आप चाहते हैं, जो शाहरुख खान की ये फिल्म मैं पंजाबी में बनाना चाहता हूँ. मैंने तो कास्ट कर लिया आपको. हाँ, वो कास्ट डायरेक्टर ही होगी बस. अच्छा. अच्छा, सच सच बताना है बाजी, आपने हमारी कोई पिक्चर देखी? हीरोपंती बोला था आपने, हीरोपंती देखी आप? मैंने देखी भाई, मैंने आपकी भी सारी पिक्चर देखी है. और जैसे आपने स्टार्ट किया कॉमेडी मूवीज, उसके बाद बदलापुर, अलग अलग शेड जो आपने किए, तो मतलब ये आपने सोचा कि मैंने किसी मतलब फिगर में नहीं आना, अलग अलग रखूँ अपने आप को, इसलिए किए या उससे बेस्ट चूज किया. एंड आई एम ग्लैड मुझे ये सब मिली. पर जैसे आपने भी किया है, और जट एंड जूलियट, जट एंड जूलियट टू, फिर पंजाब 1984 कर दी सीरियस वाली, तो देन आई लाइक वैरायटी. उड़ता पंजाब में भी आप अच्छी पिक्चर है वो यार, मैंने उसकी फोटो वगैरह देखी, बहुत अच्छी लगी. तो बहुत बहुत क्या बोलूँ मैं, दुआएं करता हूँ कि तुम्हारा काम भी अच्छा और फिल्म भी बहुत अच्छी हो. वो साउंड बड़ी अच्छी करती हो पिक्चर. हीरोपंती देखी है नहीं देखी है? हाँ देखी है, सबके आते नहीं हुई जाती. ये ना मेरा बेटा उसके लिए बोलता है, अपने ऐप्स के लिए कहता है, सब दूसरों के आते नहीं, मेरे जाते नहीं. अपने ऐप्स दिखा दिखा. थैंक यू सो मच दिलजीत, गॉड ब्लेस यू, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट टू यू.